I've been like, my family, I've been like open about everything. When they know all about what when I lost virginity, only I can lose. So I lost. I told them. I said, "Aaj kar kya?" Mom. क्या हुआ शिनचैन? Mom, मुझे भी करना है. नहीं शिनचैन, तुम अभी बहुत छोटे हो. डैड मॉम को बोलो ना मुझे करना है. ओहो शिनचैन, क्या चाहिए तुम्हें? मैं हमेशा एक्शन कामी को देख के हिलाता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई मेरी मूंगफली से प्यार करे, मॉम जैसे अब डैड की मूंगफली से प्यार करती है. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर. आज हम बात करने वाले हैं सेक्सी बॉय के बारे में. तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. मुंबई की एक अंधेरी गली में जाने लगे हैं, जहां पर हर सेक्सी बॉय का आना जाना लगा रहता है. नहीं 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 नहीं, मेरे साथ बोलो सेक्सी बॉय. बस यही देखकर तो लड़कियां चाय में जहर मिलाकर पीती हैं. क्या चाहिए इन लोगों का दुनिया में आना? फिर ये लड़के पूछते हैं हम अकेले क्यों हैं, क्या कमी है हमें? क्या गल करते हैं मूंह विच बलकारा डिगदियां कि मैं लंगा के तोड़दा वां कि मैनू हर हफ्ते 10 वारी लागा लगदा वा. और फिर यही लोग हाथ मिलाकर चुटकी बजाते हैं. यार कल मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, तो मुझे ही बोलने लगे कि भाई तूने हर लड़की का दिल चुराया है इसीलिए. अबे तेरी शक्ल पर ये लिखा हुआ है कि तू लांती शख्स है, और तेरी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका लड़कियों को देखकर नीचे ही रहता है. यार बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? आय हाय, देख कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है. बहनचोद, इतने बुरे लोग आधार कार्ड में भी नहीं लगते. भाई मम्मी कहती है बदमाश लड़कों से दूर रहो, लेकिन मम्मी को क्या पता कि इन बदमाश लड़कों का लीडर ही मैं हूँ. ये बहुत बड़ा बदमाश है. लोगों के घर से बदमाशी दिखाकर कूड़ा उठा के ले जाना, और लोगों के घर पे बदमाशी से झाड़ू लगाना. और लेकिन अब भाई साहब डोमिनो को फोन करके पिज्जा हट का फोन नंबर मांगते हैं. वो मेनू तो समझ नहीं आती कि इन्ना जिगरा इन्ना दे वे आग तो जाता है. भाई मैं कुछ जरूरी काम से चांद पे जा रहा हूँ. हाँ, इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कि ये चवल भाई साहब चांद पर जा सके. किसी को अपने जानों के लिए तारे मंगवाना हो तो बोल दो, लेके आ जाऊंगा. और चवल इंसान चांद के ऊपर कौन तारे बेच रहा है? मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा. है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे. और साले तेरे अंदर से मरे की स्मेल आती है, तू कह रहा है किसी में हिम्मत मुझे पटा के दिखाए. देख लो भाई, अगर जो कोई भी लौंडा या लौंडी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो ये लौंडा तो सिके भी निकल जाता है. भाई कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी. हाँ, हम दाढ़ी वाले तो छूतिया है ना साले. अरे एक मिनट, और तभी तो सारे टिकटॉक वाले साले सारी लड़कियां ले जाते हैं यार. व्हाट द फक यार, इन भाई साहब की सारी लड़कियों का नाम एंजल से शुरू होता है. अगर तुम अपने बालों में गुलकंद और तम्बाकू का मिश्रण लगाओगे तो लड़कियां कैसे ना फंसे. क्या तुम बाबा वाला तो फंडा यूज कर सकते हो? भाई पता है, सूरज सिंगल है, चांद सिंगल है, मैं सिंगल हूँ. मतलब इस धरती पे जितने भी कीमती चीज है ना, वो सारे सिंगल हैं. आखिर एक इंसान अपने आप को कितना बड़ा चूतिया समझ सकता है. अकेलेपन की पहचान है ये. अगर कोई सिंगल लौंडों का चिल होगा ना तो इसकी शक्ल होगी. भाई अगर न्यूटन हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर सेब के जगह बम गिरता, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता. अरे यहाँ की पैदाइश है क्या न्यूटन? उस दिन तुमने गांजा फूका था या तुम्हारे मास्टर ने? राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रविंद्र, राष्ट्रगान ये जनगण मन नायक वाला, वो थे कानपुर के पार्षद जी. अरे पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था. सोचो कि न्यूटन बिहार की गलियों में पैदा हुआ था, तो इसी पर ही लौंडे भी फुदक रहे हैं. यार मैं 1.25 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? अबे कितना पड़ेगा लड़कियों के पीछे? मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में लड़कों के अंदर कितनी हवस बढ़ी है। 70% तो यही लड़के बैठा है हमारे पास। मेरे पास तो बची फिर 1%। एक दिन में 23.5 घंटे लड़कियों के बारे में सोच रहा है। अरे यार ऐसा क्या हो जाएगा कि जिंदगी में रंग बढ़ जाएंगे? बेंचो देखो, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको, बस इसे नहीं। देखो मैं चाहता हूँ कोई भी गिलगिली का शिकार बने, मेरी सर से सीना ठोके ना है। माफ करना यार, इस चैनल पर हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अरे ऐसे कैसे? तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको भी लड़कियां चाहिए तो सानू फुद्दू समझाया है, असि बगैर पैसा ना पैके लाने साडा दिल नहीं करता सी फेमस होइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे अरे भाई आजा, हम भी टिकटॉक पे अपना पेड़ लाते हैं।